ओके हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शिवा उपाध्याय #NoNo। वेलकम टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज अभी बज रहे हैं सुबह के 6। इतनी अर्ली मॉर्निंग में उठी हूँ, मेरा सर दर्द हो रहा है, नींद पूरी नहीं हुई है, काफ़ी लेट तो एक तो सोते हैं हम लोग, ऊपर से लाइट चली गई, थोड़ी सी बारिश हुई और 4:30 बजे की लाइट गई हुई है। अभी तक लाइट का कोई अता पता नहीं है। आंखें दर्द हो रही हैं, सर दर्द भी पकड़ रहा है। सब लोग धीरे धीरे करके सोसाइटी में बाहर तब से हैं, मैं इन्हीं लोगों के सारे छत पे आ गई हूँ कि जब ये लोग अंदर जाएंगे तो इसका मतलब लाइट आ जाएगी। तब तक मैं भी यहाँ पे बैठी हूँ। एक्चुअली मेरी आंखें देखिए कितनी ज़्यादा सूजी हुई है और मेरा हेडेक भी शुरू हो रहा है। अगर मैं नहीं सोई तो मेरी तबीयत ख़राब होने लग जाएगी। एक्चुअली सबके दरवाजे विंडो सब ऊपर है, खुल गया है, अब देखते हैं लाइट कब आती। मेरा तो सर पकड़ने लगा, मेरा इस सर का ये वाला हिस्सा पकड़ने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। और अभी सिर्फ 6 बजे हैं, अब ना इधर के बचेंगे ना उधर के बचेंगे। लाइट आएगी लेकिन बहुत गलत टाइम पे आएगी, जब सबको उठना होगा। मतलब उठने का तो वक्त हो ही गया है लेकिन फिर भी एक दो घंटा सो सकते थे आराम से, बट अभी मुझे नहीं लगता। अभी आएगी लाइट, अपने गलत टाइम पे आएगी, मुझे पता है, जब सबको उठना होगा, काम करना होगा। आज नींद नहीं हो पाएगी पूरी, या तो दोपहर में सोना पड़ेगा या तो वापस अब रात में ही। दोपहर में भी इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि चैन की नींद सो पाओ। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो सुबह सुबह आ गई हूँ मैं छत पे। ओके सो जैसा जैसा मेरा पूरा दिन जाता जाएगा, इस व्लॉगिंग की स्टार्टिंग मैंने सुबह आज एकदम सुबह सुबह कर ही दी है। जैसा जैसा पूरा दिन जाएगा इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करती रहूँगी। चलिए देखते हैं। इतनी तेज़ नींद में हो कि मेरा आँखें भी दर्द हो रहा है, सर भी पकड़ रहा है, मेरा ये वाला साइड पूरा पकड़ रहा है, आँख से लेके सर तक हमेशा मेरी ये वाली आइज दर्द होती है और इस तरफ का पार्ट है हेडेक होने लग जाता है। इतने छोटे छोटे से बच्चे सब जग गए हैं, चिक 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 चिल्ला रहे हुए हैं, किसी को गाड़ी नहीं चलाने को मिल रही है, किसी को कुछ नहीं मिल रही है, सब सुबह उठ गए परेशान भी। इनफैक्ट ये गलत है यार, देखो बारिश तो ढंग से हुई नहीं, कुछ भी हुआ नहीं, लाइट पहले काट दी। ऐसा होता नहीं है लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे सब छिला देते हैं बहुत ज़्यादा लाइट काट करके, जो आज इन्होंने किया है। एक्चुअली मॉर्निंग लाइट इतना बारिश हुई नहीं और लाइट काटे हैं 4:30 बजे से। अभी कितना बज गया, अब तो सेकेंड में बताते हो, 6:30 बज गया है, अभी तक लाइट ही नहीं आ रही है। पता नहीं अब देखो कब आती है, कब सो पाते हैं। फिलहाल वेट करते हैं, देखते हैं कब आती है, कब नीचे जाते हो। मम्मी तो उठ के नहावा के पूजा पे भी बैठ चुकी हैं, बाकी सब सो ही रहे हैं। मामा भी बाहर निकल आए थे जब लाइट चली गई थी, तो फिलहाल वो भी वेट करते करते अंदर रूम में चले गए। पापा भी अब उठ जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, उनका तो टाइम ही हो गया उठने का। देखते हैं क्या होता है, जस्ट जो होता है। पेड़ों को बिना पानी दिए ही पानी मिल गया सुबह सुबह, बारिश जो हो गई। एक तो बारिश की आवाज़ बादलों से मुझे बहुत डर लगता है, इतना बोल रहे थे। ये देखिए कैसा वेदर है, उनकी आवाज़ सुन करके मैं जग गई। नहीं तो मुझे लाइट कटी थी उससे नींद, मतलब नींद मेरी नहीं टूटती, मैं शायद सोती रहती, पर जो बादल गरजते हैं मुझे उससे बहुत डर लगता है। लगता है कि जैसे कि वो अभी फटके मेरे ही सर मेरे ऊपर ही गिर जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ और बचपन से ही डरती हूँ, तो बस वो जैसे ही घूमना शुरू हुए बादल वैसे ही मेरी नींद टूट गई और मेरे को इतना डर लगने लगा कि फिर मैं सोई नहीं। नींद तो खुली खुली, लाइट भी नहीं आई, बारिश भी नहीं हुई। हाँ हवाएं तो बहुत अच्छी चल रही हैं, बच्चे भी रो रहे हैं। 7 बज गए हैं, लाइट ना आई है और ना मुझे नहीं लगता कि अब कोई फ़ायदा भी अगर आ गई तो
अब नींद खुल चुकी है और कोई आया क्या, डोर खुल गया हवा से, ओके तो अब जा रहे हैं, हाथ मुंह धुलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, फ्रेश अप होते हैं। अब सोने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो दिन भी ख़राब हो जाएगा, कहीं के नहीं बचेंगे, जैसे कि कहीं के बचे ही नहीं हैं। चलो अभी तो हाथ मुंह धुलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, अब दोपहर में जल्दी सो जाऊंगी, अगर नींद आई तो देखते हैं कैसा क्या होता है। चलिए फिलहाल नीचे चलते हैं। चलिए वेट करते हैं, जब आएगी तब आएगी, फिलहाल क्या ही कर सकते हैं। चलो नीचे चले, इतना अंधेरा है, लाइट चलानी पड़ेगी फोन की। चलो भैया, चलो कॉफ़ी बनाते हैं, पीते हैं। मैंने देखा फिलहाल पापा तो उठ गए, ओके चलो बनाते हैं कॉफ़ी और पीते हैं आराम से। इसको क्या हो गया, कौन से गंदे नाले से लौट गया। ओके चल, अंधेरे में चाय बना रहे हैं हम सब, ऊपर जो जो जग गए ताकि उन्हें मिल जाए। किचन विचन सब उन्होंने रात में धुल दिया था, सबसे अच्छी बात तो ये है। चाय बना दे फिर ऊपर लेके चलते हैं। चाय खोल रही है, चलो सही है, और फ्लैश में अपने मुंह पे रख लेती हूँ। ओके और अभी मैं कॉफ़ी नहीं बना रही क्योंकि दूध इतना ज़्यादा नहीं है, और मैं बचे हुए दूध में नहीं बनाती क्योंकि नीचे मलाई बहुत ज़्यादा होती है और चीनी भी अभी भी ख़त्म हो रही है। तो फिर अभी एक राउंड ले लूँ कि चाय तो हो जाएगी, उसके बाद आराम से लोग मेरे लिए दूध और चीनी वगैरह ले आएंगे, तो मैं थोड़ी देर बाद बनाऊँगी कॉफ़ी। अभी इतना सुबह पीने का भी मन नहीं है, तो थोड़ा सा आराम हो जाएगा। मैंने झाड़ू वाड़ू सब लगा लिए, घर में सफाई कर दी है नीचे वाले फ्लोर पर, अब चाय देने ऊपर जाऊँगी तो ऊपर वाले फ्लोर पर भी झाड़ू लगा दूँगी। फिलहाल चाय खोल रही है और इसको थोड़ा सा फोन रख करके पका लेते हैं, उसको फिर छानते हैं। ओके जो अंधेरे में देखा वहीं से उठा लिया है, मामा की चाय दे दी है, अब मम्मी और पापा को दे देते हैं। दीदी लोग तो अभी सोई रही होंगी, तो उठ के उनकी चाय मैंने रख दी है, वो आके पी लेंगे, फिलहाल ऊपर चलते हैं। ओके चाय भी ऊपर दे आई हूँ, दीदी और अन्नू को छोड़ के सब जग चुके हैं, कभी का जग गया जब से मैं ही जग रही हूँ, इनफैक्ट कोई सो ही कहाँ पाया होगा। और अभी भी ये बज गए हैं 8 और लाइट बिल्कुल भी कोई आता ही पता नहीं है, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया यार, 8 बज गए अभी तो। सबको चाय दे दी और मैं कॉफ़ी बनाऊँगी, मैं मामा का वेट कर रही हूँ। मामा को भेजा है मैंने दूध और चीनी लेने के लिए, क्योंकि जब मैं चाय बना रही थी तो ख़त्म हो गया था, इसलिए वो लेने गए हैं। उनको भी गए हुए 20 मिनट हो गए हैं आराम से, पता नहीं कौन है, विदेश जाते हैं सामान लेने, एक्चुअली वो चाय पीने के बाद थोड़ा वॉक करते हैं, तो इस उसी बीच में लेने जाते हैं दूध और चीनी, मतलब हमेशा मेरे दूध लेने जाते हैं तो उसी बीच जाते हैं, तो आराम से वॉक करते हुए ही वो आते हैं। पूरा मोहल्ला जग गया है, काम वाम सबका अपने अपने घरों का शुरू हो गया है, मैंने भी कर लिया, ऊपर झाड़ू लगा ली, नीचे झाड़ू लगा ली, बर्तन रात में अन्नू ने धुल ही दिए थे। बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई मुझे आज, ऑनेस्टली मिल गई, वो उसने कल बर्तन धुल दिए रात में, अदरवाइज़ इतनी गर्मी में मैं नींद भी पूरी नहीं हुई थी, कॉफ़ी भी अभी पीने जा रही हूँ जो कि मुझे बर्तन धुलने के बाद मिलती, और इरिटेशन होती है जो कि अभी हो रही है, बट हेडेक थोड़ा कम है कि बर्तन नहीं धुलने हैं। लाइट आई तो सो भी सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट अब नींद नहीं आएगी वो बात अलग है। ओके दिखाती हूँ बाहर का मौसम, बस इतनी ही बारिश हुई, पूरी तरह से रोड भी गीली नहीं हुई और लाइट ऐसी गई है जैसे कि बाढ़ आई हो। लाइट वाले सही नहीं किया आपने, अब सबको लाइट काट दी इतनी सुबह सुबह 4:30 बजे से 8 बजे तक का लाइट कौन काटता है भाई, थोड़ी देर तो इंसान सो लेता, 1 घंटा तो सो लेता, इतनी लाइट क्यों दे देते, कम से कम 6 बजे दे देते, 7 बजे दे देते, 8 बजा दिया और अभी पता नहीं कितने बजने बाकी हैं। मैं आप लोगों को बताऊँगी जब लाइट आ जाएगी, तो फिलहाल तो मेरे फ़ोन में, दोनों फ़ोन में बैटरी कम है जो कि मैं सुबह चार्ज पर लगाती हूँ, और सुबह तो आप लोगों को पता ही है कैसी हुई है।
चलिए लाइट आ जाती है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ। लाइट अभी तक नहीं आई है, बज गए हैं, कितना बज रहा है मामा? 8:15। मैं अपनी कॉफ़ी बना के ले आई हूँ, लाइट नहीं आई है। मामा कह रहे दुकान तो पता चला था शॉर्ट सर्किट हो गया है, जिसको वापस बनाना पड़ेगा। आंधी आई नहीं, तूफान आया नहीं, बारिश हुई नहीं, शॉर्ट सर्किट हो गया। वाह, मैं अपनी कॉफ़ी ले आई हूँ और बैटरी हो रही है फ़ोन में, तो अब मैं देखते हैं लाइट कब आएगी। तो अब जब आएगी तब इन्फॉर्म तो ज़रूर करूँगी, तब तक के लिए मैं कॉफ़ी इन्जॉय करने जा रही हूँ। लाइट है नहीं, ऊपर नीचे का सब अंधेरा है। हम लोग सामने वाले रूम में बैठेंगे, देखिए कितना अंधेरा है सामने वाले रूम में। बाकी सब लोग ऊपर हैं, तब कॉफ़ी पी के ऊपर जाएंगे, देखते हैं लाइट कब तक आती है। बाय द वे, और मेरा मुंह थोड़ा थोड़ा चपटने लगा है, सूजा हुआ था सुबह, आँखें अभी भी दर्द कर रही हैं, लेकिन मुंह बैठ गया है। इतना ज़्यादा सॉइल था आँखें चेहरा, क्योंकि रात भर सोई नहीं थी और सुबह सुबह 4:30 बजे लाइट चली गई। तो फिलहाल अभी तो सेट हो रहा है शायद चेहरा। हो गॉड, जस्ट लाइट आई है, जस्ट अभी भी पंखा देखिए चला है, अब ये स्पीड पकड़ रहा है, जस्ट आई है, 9 बज गए हैं। अगर थोड़ी देर और नहीं आती तो सीरियसली हालत ख़राब हो जाती। इतनी ज़्यादा गर्मी की सर पकड़ रहा था, चक्कर आने लगे थे। थैंक गॉड लाइट आ गई 9 बजे, अब जाए ना बस, अब जा रहे होकर दोनों फ़ोन चार्ज पे, बैटरी डेड है ऑलमोस्ट। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो शाम हो गई है, हम लोग सो गए थे दोपहर में, और मैं अभी जस्ट काम वाम करके नहा धो के अब आई हूँ। और आज 5:30 बजे धूप नहीं थी, छाई हो गई थी, बट मौसम मतलब अच्छा, वेदर अच्छा हो गया। शायद रात में फिर से बारिश हो, बट हवा हवा नहीं चल रही है, उमस है, वो थोड़ी सी बारिश ने उमस बना के रख दिया है। ओके, तो आज तो लाइट ने काफ़ी परेशान किया, कभी पानी परेशान कर देता है तो कभी लाइट परेशान कर देती है, एकदम से अचानक से झटके आ जाते हैं। वेल, जैसा भी रहा, अब पूरा दिन कट गया है, तो यही थी पूरे आज के दिन, यही पूरा दिन गया, ऐसे ही गया। और अब मैं जा रही हूँ, मैं नहा धो ली हूँ, मैंने ये आउटफिट पहना हुआ है, अब मैं जा रही हूँ वॉक करने, खाने पीने बाहर। सो या, इसी के साथ इस ब्लॉगिंग की एंडिंग करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नई सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अपने से प्यार करिएगा, अपनों से प्यार करिएगा, और हमेशा अपनों के साथ रहिएगा। बाय बाय।